नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं कि राशियों के अनुसार किस तरह से आप अपने विषय का चयन कर सकते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही सब्जेक्ट लीजिए, जो आपको पसंद हो वही सब्जेक्ट लीजिए, उसी से पढ़िए। मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि जैसे कुंडली में लिखा है आप वैसे ही सब्जेक्ट लें, लेकिन अंततः आपको आना उसी सब्जेक्ट में पड़ता है जो आपके भाग्य में या आपकी कुंडली में लिखा है। तो इसलिए अगर पहले से हमको पता हो कि हमारी राशि के अनुसार हमारा सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, अगर ये आपको पता चल जाए और वही सब्जेक्ट आप चूज़ कर ले तो लाइफ में बहुत तरक्की मिलती है और बहुत कामयाबी मिलती है। अब आप ये कहेंगे कि हम सभी को कुंडली देखना तो आती नहीं है, तो बिना कुंडली के हम कैसे पता करें कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए? तो मैं आपको आज बिना कुंडली के भी बताऊँगा, मैंने जो आपका नाम है आप उसी के थ्रू जान सकते हो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुंडली के थ्रू आप अपनी राशि कैसे पता कर सकते हैं। जिस नंबर पे चंद्र लिखा है वही आपकी राशि होती है। सपोज करिए कि ये जो आप अभी कुंडली देख रहे हैं उसमें वन नंबर पे चंद्र लिखा है, वन मतलब होता है मेष राशि, तो इसका मतलब है आपकी राशि मेष हुई। इसी टाइप से देखो आप चार यानी फोर नंबर के साथ भी चंद्र लिखा है, इसका मतलब आपकी राशि कर्क हुई। ऐसा नहीं कि एक कुंडली में सभी जगह चंद्र होंगे, ऐसा नहीं, किसी एक जगह चंद्र होगा और वहाँ पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, आप उस नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी राशि कौन सी है। चलिए ये तो होगी कुंडली के हिसाब से। सपोज करिए आपको आपकी कुंडली नहीं मालूम है, जो कि अक्सर लोगों को अपनी कुंडली नहीं मालूम होती है, अक्सर लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, तो आपका जो नाम है जिस नाम से आपको पुकारते हैं उस नाम से भी आप अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। सपोज करिए आपका नाम है रमेश, रमेश जो है र से शुरू होता है और ये तुला राशि बनती है। अब आप ये कहेंगे मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि र अक्षर से तुला राशि बनती है, तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ कि राशि का नाम बताऊँगा, कौन कौन से अक्षर से वो राशि बनती है वो बताऊँगा, और अगर आपको राशि नहीं पता नाम भी नहीं पता है तो आप अपनी जन्म तारीख जो है उसके हिसाब से भी अपनी राशि निकाल सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको एक स्लाइड के अंदर बताता हूँ कि, तो चलिए शुरू करते हैं पहली राशि से यानी मेष राशि। मेष राशि उन लोगों की होती है जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच हुआ हो, या तो ये याद रख लीजिए या फिर आपको नीचे कुछ अक्षर दिए हुए हैं जैसे चू चे चो ला ली ले, इस तरह के जो अक्षर दिए हैं उनको ध्यान रख लीजिए। इनमें से कुछ भी आपको मेष कर रहा हो वही आपकी ये राशि हो जाएगी, यानी मेष राशि हो जाएगी। अगर आपकी राशि मेष है तो इसके पंचम भाव पर यानी इसकी पाँचवीं राशि जो भी आपकी राशि है, जैसे मान ली मेष राशि आपकी है तो मेष के साथ गिनना शुरू किया, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, यानी कौन सी राशि हुई सिंह, तो आपकी जो पांचवी राशि कहलाएगी वो सिंह राशि कहलाएगी, क्योंकि पांचवा घर जो होता है वो विद्या का घर होता है, एजुकेशन का घर होता है, तो उसके थ्रू ही हम देख सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। राशि मेष है अतः मेष से पांचवी राशि कौन सी हुई सिंह राशि हुई। इस प्रकार मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल और सिंह राशि का स्वामी ग्रह हुआ सूर्य, इसलिए ऐसे बालक को या ऐसे स्टूडेंट को साइंस फील्ड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो करियर है वो इंजीनियरिंग में मिलेगा या मिलिट्री में मिलिट्री साइंस में मिलेगा या फायरमैन में मिलेगा या कंप्यूटर में मिलेगा। चलिए बात करते हैं वृष राशि की। तो जिन लोगों का जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ हो या फिर उनके नाम का प्रथम अक्षर ई ऊ इस टाइप का कुछ हो तो उन लोग की राशि वृष होती है, अतः वृष से पाँचवीं राशि हुई कन्या। इस प्रकार वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र और कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध हुआ, इसलिए इस ऐसे लोगों को कॉमर्स फील्ड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का करियर बैंकिंग म्यूजिक तथा कंप्यूटर में होता है। बात करते हैं हम मिथुन राशि की। जिन लोगों का जन्म 21 मई से 20 जून के बीच में हुआ है और उनके जो नाम का प्रथम अक्षर का के की कु को धे ध ड छ ह इनमें से कुछ भी है तो उसकी राशि हुई मिथुन। और जिन लोगों की मिथुन राशि है अतः मिथुन से पांचवी राशि कौन सी हुई तुला राशि। देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा मेष वृष लिखा पूरा, तो आप वहाँ से पता कर सकते हो कि पांचवी राशि कौन सी है, तो मिथुन से पांचवी राशि हुई तुला। इस प्रकार मिथुन राशि का तो जो स्वामी हुआ वो बुध हुआ और तुला राशि का जो स्वामी हुआ वो शुक्र हुआ, इसलिए ऐसे बालक को यानी ऐसे स्टूडेंट को आर्ट्स फील्ड चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो करियर है वो सिंगिंग म्यूज़िक राइटिंग मीडिया आदि में होता है, और इसलिए उनको आर्ट्स का चूज़ करना चाहिए, आर्ट्स फील्ड चूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग अगली राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि जिन लोगों का जन्म 21 जून से 20 जुलाई के बीच में हुआ हो
और जिसकी जो नाम का पहला अक्षर है वो ही हु है हो हा ड डी डू डे डो इस प्रकार के शब्द हो, ऐसे लोगों की राशि होती है कर्क। अतः कर्क राशि से जो पांचवी राशि होती है वो होती है वृश्चिक। इस प्रकार कर्क राशि का स्वामी ग्रह कौन सा हुआ? चंद्र। और वृश्चिक राशि का जो स्वामी ग्रह हुआ वो मंगल हुआ। इसलिए ऐसे बालक को यानी ऐसे स्टूडेंट को बायोसाइंस की फील्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का करियर डॉक्टर, नेवी ऑफिसर आदि में होता है। इस प्रकार फिर बात करते हैं हम सिंह राशि की। तो जिन लोगों का जन्म 21 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में हुआ हो, या फिर उनका जो नाम का प्रथम अक्षर है वो म मी मू मो मो टा टे टी टू ये शब्द ये अक्षर आ रहे हों, तो ऐसे लोगों की राशि हुई सिंह। और सिंह राशि से पांचवी राशि धनु राशि होती है। इस प्रकार सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य और धनु राशि का स्वामी ग्रह गुरु हुआ। इसलिए ऐसे बालक को आर्ट्स फील्ड या साइंस की फील्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो करियर है वो टीचिंग, डॉक्टर, पायलट, पॉलिटिक्स आदि में होता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि उन लोग की होती है जो 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में जन्म लेते हैं, या फिर उनके नाम का प्रथम अक्षर टो पा पी पू पे श ठ प इस प्रकार के कोई शब्द हैं। तो जिन लोगों की राशि कन्या है, अतः कन्या से पांचवी राशि मकर होती है। इस प्रकार कन्या राशि का स्वामी ग्रह तो हुआ बुध और मकर राशि का स्वामी ग्रह हुआ शनि। ऐसे बालक को मैथ साइंस की फील्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का करियर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, राइटिंग और टेक्निकल फील्ड में होता है। इसलिए उनको मैथ्स फील्ड चूज करना चाहिए। हम बात करते हैं तुला राशि की। तो ऐसे लोग जिनका जन्म 21 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच में हुआ हो, या फिर जिनकी राशि जिनकी नाम का प्रथम अक्षर जो है वो रा री रू रो त ती तू ते से शुरू होता है, तो ऐसे लोगों की राशि तुला होती है। और तुला राशि से पांचवी राशि कुंभ है। इस प्रकार तुला राशि का जो स्वामी ग्रह शुक्र और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है। इसलिए ऐसे बालक को आर्ट्स या मैथ्स की फील्ड को चूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो करियर है वो मॉडलिंग, पेंटिंग, जज, फैशन डिजाइनर, टेक्निकल आदि में होता है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जिन लोगों का जन्म 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में हुआ हो, या फिर उनके नाम का प्रथम अक्षर तो ना नी नू ने नो य ई यू ये अक्षर हो, तो ऐसे लोगों की राशि वृश्चिक होती है। और वृश्चिक से पाँचवीं राशि होती है मीन। इस प्रकार वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल और मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु होता है। इसलिए ऐसे बालक को आर्ट्स की फील्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो करियर है वो पुलिस, ज्योतिष, टीचिंग, वकालत आदि फील्ड होती है इस प्रकार से। इसलिए इनको आर्ट्स की फील्ड चूज करना चाहिए। हम बात करते हैं धनु राशि की। तो जिन लोगों का जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में हुआ हो, या फिर जिनकी नाम का प्रथम अक्षर ये यो भ भी भू ध फ ड भे इस ये इनमें से कोई अक्षर आ रहा हो, तो ऐसे लोगों की राशि धनु होती है। अतः धनु से पांचवी राशि कौन सी होती है? मेष। इस प्रकार धनु राशि का जो स्वामी ग्रह है वो है गुरु और मेष राशि का स्वामी ग्रह है मंगल। इसलिए ऐसे बालक को कॉमर्स या बायो की फील्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो करियर है वो बैंकिंग, टीचिंग, मेडिकल आदि में होता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो जिन लोगों का जन्म 22 दिसंबर से 21 जनवरी के बीच में हुआ हो, और या फिर जिनका नाम का प्रथम अक्षर भो जा जी खा खी खू खो गा घी इनसे शुरू होता है, तो ऐसे लोगों की राशि मकर होती है। अतः मकर से पांचवी राशि हुई वृष। इस प्रकार मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि और वृष का स्वामी ग्रह शुक्र होता है। इसलिए ऐसे बालक को आर्ट्स या बायो की फील्ड चूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो करियर है वो मीडिया, सिंगिंग, म्यूजिक, डॉक्टर्स, नर्स, नेवी ऑफिसर आदि में होता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो जिन लोगों का जन्म 22 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में हुआ हो, या फिर उनके नाम का जो प्रथम अक्षर है वो गु गे गो स सी सु से सो द इनमें से कोई हो, तो ऐसे लोगों की राशि कुंभ होती है। अतः कुंभ से पांचवी राशि हुई मिथुन। इस प्रकार कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध हुआ। इसलिए ऐसे बालक को कॉमर्स या साइंस की फील्ड का चूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो करियर है वो कंप्यूटर, डॉक्टर, ज्योतिष, विमान, शोध कार्य आदि में होता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो जिन लोगों का जन्म 21 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ हो, या फिर जिनके नाम का प्रथम अक्षर दी दू थ ण दे दो चाची इनमें से कोई हो, तो ऐसे लोगों की राशि मीन राशि होती है। और मीन से पांचवी राशि हुई कर्क। इस प्रकार मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु हुआ और कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्र हुआ। इसलिए ऐसे बालक को आर्ट्स की फील्ड का चूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का जो करियर है वो ट्रेवलिंग, टूरिज्म, एक्टिंग, राइटिंग,
टीचिंग आदि में होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर इसमें किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।